मुजफ्फरपुर में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और पहले चरण का नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण का नामांकन प्रक्रिया 24 सितंबर को संपन्न हो जाएगा। दूसरे चरण में शहर के नगर क्षेत्र में चुनाव होना है। आपको बता दें कि इस साल से मेयर और उपमेयर का चुनाव जनता के द्वारा किया जाना है। दूसरे चरण का मतदान प्रक्रिया 16 सितंबर से शुरू है, लेकिन अब तक सिर्फ एक प्रत्याशी ने मेयर पद पर नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें कि मंगलवार को ओम प्रकाश गुप्ता ने मेयर पद पर नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान समाहरणालय के बाहर उनके समर्थकों की भीड़ लगी रही। क्या सोच है? सोच हमारा शहर को सुंदर बनाना है। बहुत सारी समस्याएं, गिनाने बैठ जाएंगे तो गिनाते रह जाएंगे। क्या प्राथमिकता होगी? पॉल्यूशन मुक्त हो मुजफ्फरपुर। जो सबसे बड़ी यहाँ की समस्या है, इसके तरफ लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। क्या पॉल्यूशन का जल जमाव एक प्रमुख समस्या है मुजफ्फरपुर के लिए, उसके लिए है वो सबसे ऊपर। तो कुछ बनने दीजिए, तब तो कुछ करके दिखाएंगे। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा मिल रहा है। आप लोगों को भी पता चल रहा होगा, ज़्यादा पता चलेगा। अब आप इतने मीडिया लोग हमारे सामने मौजूद हैं, इसी से लग रहा है कि रिस्पांस कितना अच्छा आ रहा होगा। लेकिन शहर में बहुत समस्या है। समस्या तो है, तभी तो हम खड़े हुए हैं। समाधान करेंगे। पाँच साल में नहीं 15 साल में सर की स्थिति ऐसी हुई है। हमारे फर्स्ट मेयर मेयर समीर कुमार जो थे, उनके समय में बहुत अच्छा काम हुआ। उसके बाद से लेकर के आज तक कोई काम सर में ढंग से नहीं हुआ। जितने भी मेयर, क्या पहला काम होगा? पहला हम सर के सड़क व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। जल जमाव की खत्म होगी व्यवस्था। जितने भी मच्छर उच्छर हैं उन लोग को मारा जाए, यहाँ से हटाया जाए। सबसे बड़ा समस्या है पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, हर आदमी स्किन डिजीज से परेशान है। पॉल्यूशन तो पूरे देश में भी है। लेकिन देश में नहीं है, वर्ल्ड में 7वां स्थान है मुजफ्फरपुर का। आप लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। आप कैसे दूर करेंगे पॉल्यूशन का मुद्दा को? आप कैसे ग्रीन सिटी बनाना है, पेड़ लगाना है। आज सरियागंज से लेकर मोतीझील तक में देख लीजिए, एक भी पेड़ नहीं है। बहुत सारे पेड़ लगे थे लेकिन सब गायब हो गए। बहुत सारी चलिए नहीं नगर निगम के पास जितनी जमीन पड़ी हुई है, अगर उस पर मार्केट कॉम्प्लेक्स और बेसमेंट में पार्किंग बनाया जाए तो गाड़ी क्या उसमें सारा शहर चला जाएगा। आज मुजफ्फरपुर में अमृत पार्क बना कि नहीं बना? कहाँ से बन गया था? मैंने जगह थी ना, जल निकासी भी बहुत बड़ी समस्या, बहुत जगह मिलेगी। उस पर तो काम चल रहा है, लेकिन बहुत काम चल रहा है उस पर, लेकिन बहुत समस्या है। काम तेजी से नहीं चल रहा है, इच्छा शक्ति नहीं है लोगों के पास। तो जल जमाव जो होता है उसके लिए क्या करेंगे सर? देखिए सरकार के पास तो बहुत सारी योजना बनी हुई है, उस पर आगे तो लोग बढ़े, सही ढंग से लागू नहीं हो पा, लागू नहीं पा रहा, इच्छा शक्ति नहीं है। सर परिचय दीजिए। अपना नाम? मेरा ओम प्रकाश गुप्ता नाम हुआ। किस पद के लिए आपने नामांकन किया? मेयर पद के लिए। धन्यवाद।